एक बार की बात है, बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में जा रहे थे। उस गांव के लोगों को बुद्ध जी के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वे बुद्ध जी को अपना दुश्मन मानते थे। जब बुद्ध जी गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध जी को भला बुरा कहा और बदुआएं देने लगे। बुद्ध जी गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध जी ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं प्रस्थान करूं। बुद्ध जी की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बदुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बदुआएं दो या तारीफ करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आप सभी के प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखता हूँ। गांव वाले बुद्ध जी की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध जी से माफी मांगी और उनसे अपने गांव में रुकने का अनुरोध किया। बुद्ध जी गांव वालों की विनती स्वीकार कर ली और उन्होंने गांव में कुछ दिन रुककर उन्हें सद्ज्ञान की शिक्षा दी। बुद्ध जी की शिक्षाओं से गांव वालों का जीवन बदल गया। वे हिंसक और क्रूर प्रवृत्ति से दूर होकर अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों के प्रति भी प्रेम और करुणा की भावना रखनी चाहिए। क्रोध और बदले की भावना से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि इससे समस्या और बढ़ जाती है। हमें अपने दुश्मनों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।